आयशा, ग्रॉसरी खत्म हो गई, रमजान चल रहा है आपको पता है, तो मैंने कहा मैं खुद जाके खरीद लेता हूँ। अपने एक दोस्त को मैंने फ़ोन किया, कहा चल यार सौदा सेल्फ खरीद लेते हैं। उसे मैंने गाड़ी में बिठाया, एक मार्केट से होता होता एक बहुत पुरानी दुकान है, एक गरीब से बाबा जी हैं जिन्होंने एक छोटी सी दुकान खोल रखी है जिससे वो अपना जरिया माश चलाते हैं, उनके बच्चे हैं, ज़रा फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग लोग नहीं हैं वो। मैंने वहाँ गाड़ी रोकी, मैंने कहा चल यार। कहता है ओ इमरान, व्हाट आर यू डूइंग मैन? मैंने कहा क्या हुआ? कहता है यार कोई क्लास होती है, किसी बड़ी जगह पे जाके सौदा सेल्फ खरीदना चाहिए, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। तो मैंने उससे ये कहा जो आप सब लोगों से कह रहा हूं कि अगर आज की रात रमजान का महीना है, बाबा जी की उस दुकान से बिक्री ना हुई तो उनके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं भूख के साथ सोएंगे तो वो क्या सोचेंगे। जाइए, बड़े बड़े स्टोर से करनी चाहिए शॉपिंग, सब करते भी हैं, लेकिन रमजान का महीना है, कोशिश करें जो छोटी मोटी दुकानें हैं अगर वहां से सब्जियां फल और फ्रूट लें तो सवाब भी मिलेगा, आपका भी काम हो जाएगा। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की तरफ से और आपके ताबेदार इमरान अशरफ की तरफ से खुश शेरा, कम ऑन, मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और प्यार से यहां से ले जाओ राजा। हाय, हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम? ऑफ कोर्स, इमरान भाई क्या खूबसूरत बात की आपने कि कुछ चीजें बगैर जरूरत के भी खरीद लेनी चाहिए, खरीद लेनी चाहिए। आए, 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 हो सकता है आपकी खरीदने से उसकी जरूरत पूरी हो जाए। आए, आए, अच्छा, जो दुकान लगा कर बैठा हुआ। बिल्कुल, ये क्या डिस्किस शुरू हो गई? हाय सर, हाय, हेलो, हाउ आर यू? माय नेम इज एचआर। एचआर, एचआर मींस हमीद रियाज। सर, सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच इमरान, आई एम द ऑफ कोर्स, यू नो दिस, आई एम कमिंग फ्रॉम पीके। पीके पत्तों की। आई एम ड्रेस डिजाइनर एंड द ऑफ कोर्स। ड्रेस डिजाइनर? सर ये ड्रेस डिजाइनर है। मैं नहीं मानता। क्यों? मैं इन्होंने बहुत देखा है, अब मोहम्मद अली साहब, इदरा साहब की पुरानी फिल्मों से एहो जो बंदे क्लब च कर रहे थे, हो तू तू तर र। अच्छा, ज्यादा बात की ना तो मैं एफ मुंह मार दूंगा तुम्हारे मुंह पे। व्हाट डू यू मीन बाय एफ मुंह? फिटे मुंह। कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी एंड टैलेंट। जब तक पाकिस्तान में मॉडलिंग का जिक्र होगा तो वो जिक्र मुकम्मल नहीं होगा जब तक इनका जिक्र नहीं। क्या बात! मॉडलिंग में अपने फन के झंडे गाड़े तो मॉडलिंग की चोटी को सर किया, मॉडलिंग से जब अदाकारी में कदम रखा तो ओए 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 ओए। आजकल मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे साथ ही हैं, इनके साथ नमक हराम में भी मैं नजर आ रहा हूं। वंडरफुल एक्टर
Yes, wonderful model, wonderful human. मेरे दिल के बहुत करीब, बहुत पुराना साथ है, और साथ वो है जो आम तार से नहीं, दिल की तारों से जुड़ा हुआ है. सुनीता मार्शल जी, please come on. तशरीफ रखिए प्लीज. वेलकम वेलकम जी. थैंक यू. आप हमारे शो में तशरीफ लाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अगर आप ना आते तो हमने खुद आपके पास आ जाना था. दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारी इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, और इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से वेलकम टू मजाक. असली सुनीता जी, बड़े अरसे से इंतजार था आपका, फाइनली यू आर हेयर. आपकी नजर एक शेयर करना चाहूंगा. बिल्कुल. कि सूरज की किरणों सी हैं आंखें इनकी, इनकी अदाएं सबको बेमिसाल लगती हैं. हर लिबास ही सजता है आप पर बाखुदा, आप तो हर रंग में ही बेहद कमाल लगती हैं. तुम शो के बाद मुझे मिलना, बाहर में तुम बताऊंगा. क्या इनको पहचाना? मेरे लिए भी तुमने शेर कहा था. कौन सा? टांगे वाला खैर मांगता. नहीं, उन्होंने कहा टांगे वाला उधार मांगता. सुनीता जी बहुत बड़े डिजाइनर हैं, बहुत सी मॉडल्स को ट्रेन कर चुके हैं पूरी दुनिया में. ये मैं नहीं कह रहा, ये इनका दावा है. और मेरा दावा कभी गलत नहीं हुआ. सुनीता जी आपने पहचाना नहीं वैसे? खलील और रहमान कमर साहब को जानती है ना आप? जी बिल्कुल. उन्होंने लेला है. मुज़ाकरात में आ रही है तो मैं यहाँ आ गया. मैंने कहा दुबिदु आपसे मुलाकात हो जाए और कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए आगे, यू नो वेरी वेल. इतने बड़े डिजाइनर है, आपने इनके साथ काम पहले नहीं किया? नहीं, मैं टाइम ही नहीं मिला. मैं ज्यादातर बाहर रहा हूँ ना. एक ना बड़ा डिजाइनर है. अच्छा. अपनी सालगिरह का केक कैंची ना कट रहा है. सुनीता जी वेलकम टू द शो. आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया. जब से मैंने ये शो शुरू किया है आपका इंतजार था, और आप ये बात जानती हैं कि क्या. सॉरी सॉरी, लेकिन आ गई ना आप. आ गई यार. मैं सिर्फ इन्होंने एक दाद देना चाह रहे हैं. माशाल्लाह कि नमक राम च जिहड़ा तुसीं घर वड़ के आके बाबर अली साहब का पता लैके निकल गए हो, बड़े चलाको लगे हो तुसीं. बताइए जरा जवाब दे इस बात का. ये हमारे राइटर का, हमारे डायरेक्टर का और हमारे एक्टर्स का कमाल है. आपका कमाल है जिस तरह से आप उस रोल को निभा रही हैं. जो जो इनका सीन है, जरा आप खुद जरा जवाब दें, ताली में बताएंगे क्या. क्या राज है? जैसे जैसे वक्त गुजरता है हुस्न में कुछ ना कुछ बदलाव तो आता है. ये फुल स्टॉप कहां से खरीदा जो हुस्न के नून के बिल्कुल साथ लग गया है और इस हुस्न को आंच नहीं आने दे रहा. माशाल्लाह माशाल्लाह. क्या खाती हैं, क्या पीती हैं? सब खाती हूँ, सब पीती. नहीं, कोई कोई स्किन केयर, कोई हेल्दी ईटिंग कुछ तो होगा. दिल साफ है. दिल साफ है. क्या बात, क्या बात. सरदार साहब ने भी दिल साफ कराया. अच्छा. इतना जंगाल उतरे हो. यार तू जो मर्जी को क्या डिजाइनर है पाजी. क्या बात पाजी. गधे दे सजे खबे लिखता है हारन दो रास्ता लो. इमरान आपने मुझे कहा एनिमल्स के साथ बिठा दिए, क्या बातें कर रहे हैं? ये जो डिजाइनर ताके ना फांसी ले रहे होंगे. सुनीता जी. हाँ जी. जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट और जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? रिग्रेट नहीं है और अचीवमेंट मेरे बच्चे हैं. क्या बात.
मेरी भी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है इमरान, आपने पूछा ही नहीं क्या है बताएं। एनपी एनपी क्या है? नान पकौड़े। नहीं तो सुने, आपने पाकिस्तान की इतनी बड़ी बड़ी मॉडल्स और इतने बड़े बड़े जो मेल मॉडल्स हैं उनको ट्रेन किया है, तो आज अगर एक वॉक सुनीता जी के साथ। सो गाइस सेट द रैंप ऑन फायर। One, excuse me. Two, three, music! हमारे ट्रेनर इमरान साहब, इमरान साहब सुनीता जी ते वेल डन, ये लगता है अंग्रेज है तो सस ने तवीज पाए ने। इतने ड्रामे किए, इतने किरदार निभाए, और आपकी खूबसूरती ये है कि आप जिस भी किरदार में ढलती हैं ऐसा लगता है कि सुनीता मार्शल, सुनीता मार्शल नहीं यही इंसान पैदा हुई थी। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है आपके पास कि आप जो बनना चाहती हैं बन जाती हैं, जो लगना चाहती हैं लग जाती हैं? बस थोड़ी मेहनत होती है, आपको अपना कैरेक्टर बनाना पड़ता है, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, और फिर आपको सोचना पड़ता है कि आप पहले जैसे किसी और ड्रामे में थे वैसे ना लगें, थोड़े से मुख्तलिफ लगें, तो बस यही कोशिश करती रहती हूँ। मकसद होना चाहिए, ये मेरा डिजाइन है। केड़ा? ये मुंडा। ये जो कुर्ता और वेस्टकोट पहनी है, जाहिल खरगोश। बड़ा सख्त डिजाइनर है, इन्होंने पार्टी रोटी मिली उन्होंने रफू कर ला पा। www.shutup.com कितना तुम्हें अच्छा कुर्ता लग रहा है? केड़ा? और बनवाने, और बनवा के दूं? नहीं नहीं। एहो जी डिजाइनर सोई ना मोबाइल चला रहे होंदे। तैनू खीरा कट के देता, उन्हूं टांके लाते। मैडम बिग फैन। थैंक यू। ये मैंने कुछ लिखा है मैडम, मकसद होना चाहिए, जिंदगी का मकसद होना चाहिए। जो इंसान जिंदगी का कोई मकसद तय नहीं करते उनकी जिंदगी का हर काम अधूरा, हर ख्वाहिश ला हासिल रहती है, और उनकी कुल कमाई भी पछतावे पर मुश्तमिल होती है। अफसोस के हमारे इर्द गिर्द बेशुमार इंसान मौजूद हैं जो मकसद हयात से बेखबर हैं। मैंने एक छोटा सा शेर लिखा है मैडम, ये लाजमी सुनिएगा, आपको कसम लगे। किसी मकसद से भिजवाया गया था। तेनों नहीं सुनाया, मैं मैडम सुना दिया। किसी मकसद से भिजवाया गया था, मैं बहका था ना बहकाया गया था, मेरी ही अकल पर पर्दा पड़ा था, मैं हर गाम से समझाया गया था। जीवन में अगर सुकून और आराम नहीं, नमक हलाल हो साहिब, नमक हलाल नहीं। अच्छा मैडम, इफ यू डोंट माइंड, पहले मुझे बताएं, मैंने एक रिक्वेस्ट करनी, आप मुझे जानते हैं ना मैडम? जानना चाहती तो नहीं हूं लेकिन। <चला
मैं यही कह रहा था कि खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनकी जिंदगी का कोई मकसद होता है, मकसद बना लेते हैं और उस पर साबित कदम रहते हैं, फिर वो नाकामियों और महरूमियों का रोना नहीं रोकते। एक और शेर में लिखा है, फकत तकमील मकसद कर रहा हूँ, मैं अपने आप को रद्द कर रहा हूँ, पर खचे करके अपनी अना के मैं खुद को कार आमद कर रहा हूँ, जिंदगी के हर काम को बामकसद बनाए जा, ए मेरे दिल तू गाए। मैडम सच में, मैडम एक रिक्वेस्ट करनी थी, आप पहले पसीना साफ करें, मुंह धोएं, दांत ब्रश करें। ये मेहनत तो करनी पड़ेगी भाजन। सही बात है, एक जो डिजाइनर पल्ले ते फूल बना रहे होंगे। मैंने रिक्वेस्ट करनी है आपसे, अमीन कुरैशी को माफ कर दे आप। बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपकी बात क्यों सुनूं? क्यों सुनूं? आपके अपने घर वाले तो आपकी बात सुनते नहीं। मैं मैडम जिन्हें पूछ रहे हैं आप, माशाल्लाह आप एक अच्छी मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, उसके साथ साथ आप एक अच्छी माँ भी हैं। क्या बात, तो किसे माजनू कमे उन्हें को कहना। आपने कभी एक्टिंग तो ट्राई नहीं की ना? मैडम मैंने कभी नहीं ट्राई की। बहुत अच्छा किया, करिएगा भी नहीं। चले मैं भी आपको एक एडवाइस करूंगा, मुरीद जानते हैं उनको? जी जी। उनसे बच के रहिएगा। अच्छा। क्यों? मुरीद किसी का नहीं, वो सिर्फ अपना बदला लेगा। मैडम माशाल्लाह आप अच्छी माँ भी हैं, मैंने ममता पे कुछ लिखा है मैडम। अरे वाह, और सुनाएंगे? मैडम अरे आप पीछे मत गिर जाइएगा, नजरों से तो गिर ही चुके। मैडम एक बात कहूं? हेलो एसआर के, I'm coming. ये कौन है जी? कौन था? एसआर के। कौन? शबीर रियाज कवेती। क्या डिजाइन कर रहे हैं आप उनके लिए? उसके लिए बूटों के चश्मे। है सही ने, वो चश्मे के दोनों पासे बल्ब लाता, कहता नेरे जो जूती जल्दी लग जाती। मैडम ये खेल लाजमी सुनिएगा, अपनी माँ की दुआएं पाता हूँ। पहले रो ले। अपनी माँ की दुआएं पाता हूँ, इसीलिए तो मुस्कुराता हूँ, मेरे गम मेरे बच्चों जैसे हैं, जिन्हें मैं गोद में खिलाता हूँ, माँ के दुख देख के आंखें पथरा गई, कुड़ी सानू पंप करा गई। सुनीता जी मोहब्बत की और माशाल्लाह से हासिल भी हुई। माशाल्लाह। मोहब्बत हासिल होने के बाद कम हो जाती है या बढ़ जाती है? बढ़ जाती है। ओए हो, हमारी तो बढ़ गई, स्पेशली बच्चों के बाद और मजीद बढ़ गई। वाह। करियर के पीक में आपने शादी का फैसला किया, क्या मुश्किल था? नहीं, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था कि मैं पीक पे हूँ, क्या मेरा करियर ख़राब हो जाएगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुझे ड्रामे मिलना बंद हो जाएंगे या मुझे मॉडलिंग में काम मिलना बंद हो जाएगा, मैंने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। इवन जब मैंने बच्चे हुए तो उस वक्त भी बहुत होता था ना कि अच्छा बच्चे हो गए हैं तो अब तो ड्रामे नहीं इस तरह के मिलेंगे, हीरोइन वाले क्या? और ऊपर वाले की मेहरबानी है कि बच्चों के बाद मैंने और भी अच्छा काम किया। बेशक बेशक। कैसा किरदार करना चाह रही हैं बताएं जरा, जो आप बड़ा दिल लगे। बहुत सारे ना, मगर मुझे उस टाइप के मिल नहीं रहे, जैसे मैं अभी थोड़े दिन पहले किसी से जिक्र कर रही थी, मैंने कहा कोई सीरियल किलर टाइप का ड्रामा क्यों नहीं कोई बना रहा, कोई मिस्ट्री, कोई सस्पेंस,
मुझे उस टाइप के यू नो कैरेक्टर्स करने की। आपको तो पिस्तौल की जरूरत नहीं होगी। आंखों से गोली मारे। आपको मैं अगर मैं सीरियल किलर ड्रामे में कास्ट करूं तो आप पहली किस्त में इन दोनों को फटका देंगे? पहले तो मैं ये सोचूंगी कि मैंने आपके ड्रामे में काम करना है कि नहीं। ये हो जाए डिजाइनर पर मार हो जाए ना तो मेडिकल स्टोर से जा करता है कोई 6-7 रंगों वाला कैप्सूल दे दो। और ये दोनों पिंडलियां उत्ते ने पिछू बनवाए क्यों क्यों? मैंने क्या मैं तेन यकीन नहीं तेन कबर च नहीं लगे। डिजाइनर ने अपने घर के गेट से साड़ी बनाई होती। यह पायलट होते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन फ्लैट स्टेबल हो चुकी है और थोड़ी देर बाद मैं पायलट बोल रहा हूँ खुद आके आपको डांस दिखाऊंगा। मैडम जी आपसे पूछना चाहता हूँ कितने प्यारे कपड़े आपने पहने। आप डिजाइनर से लड़ पड़ी थी उन्हें बाजू सीते ही नहीं। वहाँ बीच में से शायद भूल गए थी ना। गरीब लोग हैं इनको क्या पता है। डिजाइनर साहब ने अल्लाह ने नवी जिंदगी दी थी। अच्छा कैसे? ये जी गधे जी दो मुते स्टेप बना रहे थे करके उन्हें अपने पिछले स्टेप जो क्या ही थे मारे ओ स्टेप योर माउथ। सुनीता जी माशाल्लाह बड़ी अच्छी लाइफ आपकी जा रही है लेकिन एक सवाल मैं हर गेस्ट से करता हूँ कि यक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं मैं नहीं बिलीव करती यक तरफा मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए और अगर हो भी गई है तो फिर रफा दफा हो जाना चाहिए। हाँ। मामला खत्म कर देना। खत्म कर। ऐसा कभी हुआ जिंदगी में कहीं? हमारे यहाँ तो अमूमन लड़कों को हो ही जाती है ना। इसका ये मतलब थोड़ी कि हम भी पसंद करने लगे उन्हें। तो कैसे डील करती है? हम औरतें बहुत स्ट्रांग है हम ठीक है डील करना। अस्सलाम वालेकुम भाई। सुनीता जी हर गेस्ट ने इस पे डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन दी है। मोहब्बत एक बार होती है जिंदगी में या बार बार भी हो सकती है? बार बार भी हो सकती है। हो सकती है क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? हो जाती है। हो जाती है जो बार बार बर्बादी हो सकती है। देखो अफतारी ते सूट ते ना शरबत मैच करके पी रहे हैं। सखावत यू आर अ जस्ट फेस्ट ऑफ टाइम। ओहो वड्डियां लैण वाला वड्डियां लैण वाला पजामा ते शर्ट पा के दा आई एम ज़ेब्रा। हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशे आफरी 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 आफरी। बुलो 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 बुलो। Ladies and gentlemen, the gorgeous, talented Sunita Marshall ji is here. Sunita ji, the spot, mic and stage is all yours. Please come. साहिलों पे उतर के देखा है कभी शौक है सफर नहीं जाता जैसे हर बार चोट खा के भी कोई दिल से उतर नहीं जाता झूठ ही झूठ है जहां देखूं सच मुझे क्यों नजर नहीं आता आईना भी तो झूठ बोलता है इसमें बातन नजर नहीं आता। कहीं मत जाइएगा यहीं रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं सुनीता मार्शल और देखते रहिए क्या मजाक रहा। ऑडियंस
जी 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? तुफैल हैदर। क्या करते हैं? सर मैं छोटी मोटी सिंगिंग भी करता हूँ। अच्छा। स्पेशली सुनीता जी की एक्टिंग माशाल्लाह बहुत काबिल तारीफ है। आया है। मेरी एक्टिंग जो है ना वो सब लोग घर में बैठ के देखते हैं। ये बड़ी अच्छी बात की, घर में बैठ के देखते हैं, बाकी घर खड़े होकर देखते हैं। गुलाम अली खान साहब की दुआ है, उनकी ये गजल गाई हुई मैं सुनीता जी को डेडिकेट करना चाहूंगा। अरे सुनीता, अरे थैंक यू। चमकते चांद को, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। आपको ना मैं इस सूट के साथ पर्स बना के देता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बड़े खुश लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आपको भी खुश रखे। और आपके साथ जो बैठी हैं वो कौन है? मेरी वाइफ है। माशाल्लाह पाजी, तुहानू तो मुबारक होवे बाजी, तुहानू ना अफसोस ही कर सकदा। सावत भाई जिनको मिलता नहीं ना वो अफसोस ही करता है। कुछ कहना चाहते हैं सर? आपकी रिजेम्बलेंस जो उनसे ना वो मेरे बड़े भाई जैसी है जो इस दुनिया में नहीं है, तो आप में मुझे वो नज़र आते हैं। मैं ये बात आपके सामने आके नहीं कर रहा, इससे पहले भी मैंने मिसेज के साथ ये बात शेयर की थी, जिस तरह से मैं अपने भाई के बारे में सोचता हूँ वैसे ही मैं आज से दुआ में हमेशा आप शामिल रहेंगे। तो फिर आगे गले मिलके इस भाई को महसूस करो। खुश रहो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह जुड़वाओ। बहन भाई हैं सब। बहन भाई हैं। ओए मुंडा बोलन तू ते लग गया कि ते मेनू सियालकोट दा है। जी जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट से हूं जहां से आपका ताल्लुक है। भाई नाम? मोहम्मद शमलान। और आपका? अरीबा। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? सर हम सॉन्ग सुनाना चाहते हैं, कॉम्बिनेशन सुनाइए। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जाना, बसो हमारी नगरी, मोहे सुंदर मुख दिखला जा, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू
चीख पुकार वे मेरे लोलू चीख पुकार वे हो कदिया मिलसावल यार वे मेरी अखियां चे हंजू आबाद ने कर दे दीद नू तेरी याद ने थक गया एना नू पाल वे ओ कदिया मिलसावल यार बहुत अच्छे एक राज की बात मैं आप लोगों को बताऊं जिस बात का पाकिस्तान में शायद बहुत से लोगों को नहीं पता जी सर मेरी अखियां च हंजू आबाद ने कर दे दीद नू तेरी याद ने थक गए ऐना नू पालवे ये आपके भाई ने लिखा है अरे कुछ और कहना चाहती हैं आप अरे सुनीता मैम से मैं ये कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह मैम आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं हमने आपके माशाल्लाह सारे ड्रामे देखे हैं और आपकी एक्टिंग बहुत कमाल अरे वाह क्या बात स्पेशली नमक हराम में आपने बहुत कमाल की एक्टिंग की अरे नमक हराम में तो इन्होंने तबाही मचाई हुई है बूटा पोट देता है अमीन कुरैशी का थैंक यू जी थैंक यू अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसे हैं इमरान भाई आप बिल्कुल ठीक आप कैसे हैं सर अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ आपको देखने का बहुत शौक़ था और आपसे मिलने का बहुत शौक़ था और स्पेशली जब आपको लाइव देखने के लिए पता चला है कि आप भी आ रहे हैं यहाँ तो बहुत पूरी फैमिली को लेकर हम यहाँ पे आपके लिए आए अरे क्या कहना चाहते हैं सर मैं एक शेर आपके लिए एक डेडिकेट करूँगा तुझे ये हक है शजर पे है जो समर ले जा तुझे ये हक है इमरान भाई तुझे ये हक है शजर पे है जो समर ले जा मगर ना इतना के शाखें भी तोड़ कर ले जा तेरे पड़ोस में कुछ गम नसीब बैठे हैं खुशी समेट कर सारी ना अपने घर ले जा घर चला है कहीं हरफे हक मनाने को तो इतना करके हथेली पे रख कर सर ले जा जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम ये तो आपका गेटअप जो है जाना पहचाना लग रहा है जी सर मूसा का गेटअप है मूसा नाम है मेरा क्या बात है मैं आपके लिए कुछ लाया भी था मैं ज़ियारत पे गया था उमरे पे गया था वहाँ से आपके लिए कुछ लाया भी था और वो भी आपको देना चाहता हूँ आपके साथ बैठ कर मूसा एक्ट भी करना चाहता हूँ आ जाओ जाओ लाओ क्या बात लड़का तो मूसा ही बन गया आ गया भाई जी बर्बाद करने वाले आबादी की दुआ देते हुए अच्छे नहीं लगते सोहरा मेरा नाम मेरी पहचान मेरा रुतबा देखकर तुमने मुझे छोड़ा है ना तो ठीक है तुम जा रहो खुश रहो बस यही दुआ है मेरी आज मूसा ने सब कुछ छोड़ दिया खुश रहो आबाद रहो और थैंक यू वेरी मच यार ये अल्लाह का करम है कि आप खुशी होती है देख के क्या बात दुरे नजफ ओए और ये स्पेशल सिर्फ आपके लिए लाया था और मैंने तकरीबन एक साल से संभाल के रखा हुआ ये सर दिल से लगा के रखेंगे इसको आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया भाई थैंक यू वेरी मच सर तशरीफ रखिए जी सुनीता जी थैंक यू वेरी मच खुदा करे कभी आपकी आंख में आंसू ना आए